एक बहुत भारी चीज बताता हूं आपको, मेडिटेशन नहीं, जो मैं बोल रहा हूं अगर मेरे को मानते रहेंगे ना तो एक दो मिनट के लिए ना सिर्फ, इट विल टेक नॉट मोर देन टू मिनट्स, बट जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील व्हाट आई से। वर्चुअल वालों आप भी, क्योंकि आप में भी कोई ऐसा हो सकता है जो पढ़ने की इच्छा नहीं रखता होगा, सो क्लोज योर आइज एकदम आराम से, सो मत जाना बस। बहुत भारी चीज बोलूंगा आज एकदम, नहीं आपका दिल खुश हुआ ना देख लेना। You cleared your, imagine that day when you cleared your CA foundation exams. The result came in front of you. You were so happy. Finally, मैं CA course में enter किया हूँ. I was so happy. My parents, everyone is like, सब कुछ बहुत happy है. सब लोग around me is very happy. And अब मैंने सोचा कि मेरे को है ना क्लासेस अभी करने हैं, इंटरमीडिएट में एकदम तोड़ फोड़ पढ़ाई करूंगा। उस दिन पे मैंने ना अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अभी है ना फाउंडेशन जैसे तैसे पास हो गया था, कुछ भी हो गया था, मैंने कभी कुछ सेल्फ स्टडी करा होगा, मेरे को बेस्ट कोचिंग नहीं मिली थी या कुछ भी हुआ होगा, बट इंटर में कुछ भी हो जाए मैं अच्छे से पढ़ूंगा। मैंने अपने पापा मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने लिटरली उनके सामने गिड़गिड़ाया, पप्पा मेरे को पुणे जाना है, पप्पा मेरे को वो वहाँ दूर जाना है किसी शहर में और मुझे क्लासेस करने हैं। पप्पा पप्पा ने इतना पूरा फाइनेंशियल स्ट्रेन को इग्नोर करते हुए, दिल पे पत्थर रखते हुए, मम्मी ने एक झटके में बोला, जा बेटा तू पढ़ेगा ना। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आया पुणे जैसे शहर में, एक नए अनजान शहर में आया मैं। फर्स्ट फ्यू डेज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, नए दोस्त, नया एनवायरनमेंट, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, नए टीचर्स, क्लास का माहौल, खाने का पीने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बट एक मन के अंदर मैं जब आया था ना इस शहर में, तो एक मन के अंदर एक डिटर्मिनेशन था, एक गोल था कि मैं करके दिखाएगा, मैंने पापा मम्मी को प्रॉमिस किया है बराबर। डेज पास्ड बाय, क्लासेस कर रहा हूँ सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, फिर उसके बाद होमवर्क, मैं बहुत टायर हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, मन कर रहा था कि कहीं चला जाऊं, क्या कर रहा हूं मैं। बट फिर वो मम्मी पापा के एफर्ट्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनकी ड्रीम्स मेरे सामने थी, एंड मैं अपने आप को पुश करते गया, मैं अपने आप को फोर्स करते गया, नहीं बेटा मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, बराबर के नहीं। डेज बिकेम वीक्स, वीक्स बिकेम मंथ्स, लगभग 6 महीने हो गए, कैसा खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किस पे जी रहा हूँ, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। मम्मी पापा का फोन आता, बेटा सही है ना एकदम, मम्मी फर्स्ट क्लास, आप टेंशन मत करो, बराबर के नहीं, यू डोंट वरी। मैं पढ़ रहा हूँ, क्लास में आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। फाइनली इट वॉज द लास्ट डे ऑफ माई क्लास, जब मैं सब दोस्तों से दूर हो रहा था, बट दोस्तों को प्रॉमिस किया था भाई फाइनल में मिलेंगे, आग लगा देंगे, माहौल बनाएंगे, पढ़ना तू भी अच्छे से, मैं भी पढ़ूंगा, टच में रहेंगे। बहुत दिनों बाद फिर घर गया, एक दिन दो दिन मम्मी के साथ बैठा, बातें बातें करी, बट मालूम था कि बस 2 महीने बचे, अब पढ़ना है। दिन रात सुबह शाम वो भी पढ़ने लग रहा था, जैसे ही दोस्त का एक मैसेज आया, भाई एग्जाम्स के हॉल टिकट्स आ गए अभी, मेरे को नर्वसनेस होने लग गई, मैं जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से प्रिपेयर कर रहा था अब वो दिन नज़दीक आ रहा है। डे आफ्टर डे आफ्टर डे, एक एक दिन बढ़ते गया आगे, मेरे को बहुत नर्वस फील हो रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, वो प्रेशर आ रहा था, सर मेरा पढ़ के हुआ ही नहीं हुआ मेरे को मालूम नहीं, सर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सर शुड आई गो अहेड। एक दिन पहले का एग्जाम, अभी फुल मन को संभाल रहा हूँ, नहीं आई कैन डू इट, मैंने पढ़ा है, मैंने टाइम पास नहीं किया है, आई हैव वर्क हार्ड फॉर दिस डे। नेक्स्ट डे पेपर गया, पेपर में किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एग्जाम हॉल के लिए, पेपर बैठा हूँ, मेरे हाथ लिटरली शिवर हो रहे, माय हैंड्स आर शिवरिंग। क्वेश्चन पेपर आया, 15 मिनट्स आई एम रीडिंग द पेपर, एंड जैसे ही पेपर पढ़ रहा हूँ ना, देर इज अ ब्रॉड स्माइल ऑन माई फेस, वाह ये चीज़ें मैंने करी हुई है, ये क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। जैसे ही आंसर शीट आया, आई स्टार्टेड राइटिंग राइटिंग राइटिंग, इट वॉज माई गुड पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, टिल द 8th पेपर आई रोट माई एग्जाम्स वेरी वेल, आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? एंड
now it was my days to relax, to enjoy. बराबर कि नहीं, to go out. क्योंकि मैंने एक साल भर मैंने बहुत मेहनत करी है. सबसे पहले तो गया मम्मी के गोदी में जाके सो गया. मैं तो बहुत मिस कर रहा था मम्मी पापा से बातें करने में. मम्मी ने वो जो प्यार से सर पे हाथ घुमाया, बेटा हो गए तेरी एग्जाम्स, अब कैसे लग रहा है तेरे को, पापा के साथ घूमने जाना, फैमिली आउटिंग्स पे जाना, रिलैक्स है, दोस्तों से बातें करना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को मैं मज़ा कर रहा हूँ. बट कहते हैं ना, वो हैप्पीनेस इज नॉट लॉन्ग लिव्ड. सडनली एक दोस्त का मैसेज आया, भाई रिजल्ट्स कब आने वाले, वो डेट अनाउंस हो चुकी है. एंड जैसे ही वो डेट आई सामने, मेरा वापस दिल बैठ गया. मेरे को वापस थोड़ा ऐसे नर्वस फील होने लग गया. मेरे को क्या करूँ, एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक रात कैसे निकल रही थी, आई डोंट नो क्या हो रहा था. दिन निकले, बहुत टेंशन आ रहा था. फिर उसके बाद इट वॉज द रिजल्ट डे. सुबह से व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, फेसबुक चेक कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ, ICIC की वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, रिफ्रेश करते जा रहा हूँ, रिफ्रेश करते जा रहा हूँ. आएगा रिजल्ट, आएगा आएगा, समझ में नहीं आ रहा. उतनी देर में एक दोस्त का है ना मैसेज आता है, ब्रो रिजल्ट्स आर आउट. वो बोलता है रिजल्ट्स आर आउट. फिर मैं वो वेबसाइट खोलता हूँ और उसके अंदर मैं मेरा रोल नंबर डालता हूँ, मेरा पिन नंबर डालता हूँ, वो कोड डालता हूँ. हाथ अभी शिवर कर रहे हैं, हाथ अभी शिवर कर रहे हैं. सबमिट बटन दबाया, स्क्रीन वेंट वाइट, पूरा ब्लैंक हो गया स्क्रीन. रोलिंग 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 वो स्क्रीन, वो घूम रही है घूम रही है. एंड उसके बाद मेरा रिजल्ट सामने दिखता है, दिखता हूँ तो आए पास. मैं पास हुआ, सुनो मैं पास हुआ. मैं बराबर, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. मैं पहले तो भाग के गया, मम्मी को जोर का हक किया, मम्मी मैंने जो तूने इतने एफर्ट से मेरे को भेजा था ना मम्मी, मैं पास हो गया मम्मी. पापा को हक किया, पापा को बोला, पापा देखो मैं पास हो गया, वो आपने मेरे को ट्रस्ट करके इतना दूर भेजा मेरे को, करेक्ट है ना. फिर उसके बाद पापा सब तरफ फोन लगा रहे, सबको मिठाइयाँ खिला रहे, नींव उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, मेरा बच्चा पास हो गया, मेरा बच्चा पास हो गया, करेक्ट है ना. मेरे को इतने लोगों के फोन आ रहे, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई क्लियर हो गया, मैं ये ऐसा मार्क्स आया मेरे को, अरे बोला था ना जोरदार पढ़ाई करी है मैंने, राइट. खोलो आके, हाउ डू यू एक्सपीरियंस दिस फीलिंग, हाउ डू यू एक्सपीरियंस दिस फीलिंग, यू हैव टू लिव फॉर दैट. समझो मेरी बात को, इसके लिए जीना है आपको. ये जागते हुए देखे सपने जो अपने को साकार करने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी खुशी, ये फील करो इसको, देखो आपको कहाँ पहुँचना है जिंदगी में, तब आपको अलग मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरा ये सपना है, मेरे को ये अचीव करना है, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ. समझ रहे हैं बात को. सो एवरी टाइम व्हेन यू सिट इन एनी गॉड डैम लेक्चर, रिमेंबर यू आर वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर डे. व्हेन यू सी दैट रिजल्ट एंड यू सी दैट हैप्पीनेस ऑन योर पेरेंट्स फेस, समझ रहे क्या, इसके लिए जी जान तोड़ रहा हूँ मैं कि मेरे ये बच्चों का सपना साकार हो. समझ रहे क्या, तुमको तुम्हारे लिए मेहनत करनी है, बाकी किसी के लिए नहीं करना है. मैं रोज बोलता हूँ ये, इसमें सिर्फ आपका फायदा है और ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स की है. अगर आज आपको लगता ना कि ये मेरे को फील करना है, ये आपको एक्सपीरियंस करना है, तो सिर्फ सपनों में नहीं, उसको रियलिटी आप कर सकते हो. है क्या आपकी इच्छा, यू कैन डू इट ना, जस्ट डू इट. रोको मत रे अपने आप को, तुम लोग बहुत भारी लोग है, तुम्हें अलग लेवल का टैलेंट है, समझ रहे हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता, nobody can pull you down. और लोग, तुम आगे जाओगे तो लोग तुम्हें खींचने के लिए बैठे रहेंगे, कहाँ पड़ रहा है, चलना घूमते, ऐसा मौसम हो रहा, बाहर चलते, बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे. बट डोंट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द बेसिक ऑब्जेक्टिव कि आप यहाँ पे क्या करने आए थे. आपने पेरेंट्स आज भी जितना आपको गम हो रहा ना दूर रहने से पेरेंट्स से, उससे कहीं ज्यादा मम्मी पापा को दर्द होता है. समझ रहे बात को, कि जस्ट डू इट, गिव योर 100%. बाद में वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश मैं कर लेता, काश मैं वो टाइम पे मस्ती नहीं कर लेता. समझ रहे बात को, लिव फॉर दिस मोमेंट विच यू जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट. एंड ट्रस्ट मी, जब आप उसको फील करोगे ना सच में होते हुए, तब सही मायने में आप बोलोगे सर सही में मेरे सपने साकार हो गए, करेक्ट है.